Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. Ab online padhega, tabhi to 4G banega India. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. के इंडो चाइना वार में 72 घंटे अकेले बॉर्डर पर चीन की सेना से लोहा लेने वाले जाबाज भारतीय सैनिक जसवंत सिंह रावत के शौर्य को अब पूरा देश देखेगा। आपको बता दें कि इस महावीर योद्धा ने 72 घंटे भूखा प्यासा रहकर न केवल चीनी सैनिकों को रोके रखा बल्कि दुश्मन के 300 सैनिकों को अकेले ही मार गिराया था। 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जसवंत सिंह रावत का जन्म हुआ था। उनके अंदर देश प्रेम इस कदर था कि 17 साल की उम्र में ही वो सेना में भर्ती होने चले गए, लेकिन कम उम्र के चलते उन्हें सेना में नहीं लिया गया। 19 अगस्त 1960 को जसवंत को सेना में बतौर राइफलमैन शामिल कर लिया गया। 14 सितंबर 1961 को उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई। इसके एक साल बाद ही यानी 17 नवंबर 1962 को चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के उद्देश्य से हमला कर दिया। चीन के इस कायराना हमले के दौरान सेना की एक बटालियन की एक कंपनी नूरानांग ब्रिज की सुरक्षा के लिए तैनात की गई, जिसमें जसवंत सिंह रावत भी शामिल थे। चीनी सेना हावी होती जा रही थी, इसलिए भारतीय सेना ने गढ़वाल यूनिट की 4th बटालियन को वापस बुला लिया। लेकिन इसमें शामिल जसवंत सिंह, लांस नायक त्रिलोकी सिंह नेगी और गोपाल गुसाई नहीं लौटे। ये तीनों सैनिक एक बंकर से गोलीबारी कर रही चीनी सैनिकों को ढेर करना चाहते थे। तीनों जाबाज जवान चट्टानों और झाड़ियों में छिपकर भारी गोलाबारी से बचते हुए चीनी सेना के बंकर के करीब जा पहुंचे और महज 15 यार्ड की दूरी से हैंड ग्रेनेड फेंककर दुश्मन सेना के कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद चीनी सेना की मशीन गन छीनकर पूरी लड़ाई की दिशा ही बदल दी और चीन का अरुणाचल प्रदेश को कब्जा करने की कोशिशों को विफल कर दिया। लेकिन इस गोलीबारी में त्रिलोकी और गोपाल शहीद हो गए, वहीं जसवंत को दुश्मन सेना ने घेर लिया और उनका सिर काट कर ले गए। इसके बाद 20 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी, लेकिन इन तीनों भारतीय बहादुर जवानों ने 3 दिनों में अकेले 300 सैनिकों को मार गिराया। सेना के जवानों का मानना है कि अब भी जसवंत सिंह की आत्मा चौकी की रक्षा करती है। उन लोगों का कहना है कि वो भारतीय सैनिकों का भी मार्गदर्शन करते हैं। अगर कोई सैनिक ड्यूटी के दौरान सो जाता है तो वो उनको जगा देते हैं। उनके नाम के आगे शहीद नहीं लगाया जाता और ये माना जाता है कि वो ड्यूटी पर है। जसवंत सिंह के नाम से नूरानांग में जसवंत गढ़ नाम का एक बड़ा स्मारक भी बनाया गया है और यहाँ जसवंत सिंह के हर सामान को संभाल कर रखा गया है। उनको मृत्यु के बाद भी प्रमोशन मिलता है। राइफलमैन के पद से वो प्रमोशन पाकर मेजर जनरल बन गए हैं। उनकी ओर से उनके घर के लोग छुट्टी का आवेदन करते हैं और छुट्टी मिलने पर सेना के जवान पूरे सैन्य सामान के साथ उनके चित्र को उनके पैतृक गाँव ले जाते हैं। छुट्टी समाप्त होने पर उनके चित्र को वापस जसवंत गढ़ ले जाया जाता है। Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. Ab online padhega, tabhi to 4G banega India. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.